Shut up and sit down. नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर निबंध। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ऐसी गर्जना करने वाले भारत माता के महान सपूत थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वे उन महान विभूतियों में से एक थे जिन्होंने अपने सुखमय जीवन की बलि देकर भारत माता के कष्टों को दूर करने का प्रयास किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा राज्य के कटक नामक नगर में 23 जनवरी सन 1897 ईस्वी को हुआ था। उनके पिता राय बहादुर जानकी नाथ बोस वहां की नगरपालिका एवं जिला बोर्ड के प्रधान तो थे ही, नगर के एक प्रमुख वकील भी थे। उनकी आरंभिक शिक्षा कटक के एक पाश्चात्य स्कूल में हुई थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़कर वहीं से बीए ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की। वे सन 1919 ईस्वी में नौकरी में अधिकारी नियुक्त हुए। बाद में उन्होंने नौकरी छोड़कर देश सेवा का व्रत ले लिया और बंगाल के प्रसिद्ध देशभक्त बाबू चितरंजन दास के प्रभाव में आकर सेवा दल में भर्ती हो गए। सन 1921 ईस्वी में जब वे स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए स्वयं सेवक संगठित करने लगे तो अंग्रेज सरकार ने उन्हें पकड़कर जेल में बंद कर दिया। कांग्रेस में नरम तथा गरम दो प्रकार के दल हुआ करते थे। बाबू सुभाष गरम दल के नेता थे परंतु महात्मा गांधी जी का सम्मान करते थे और उनके साथ मिलकर काम करते रहे। सन 1930 ईस्वी में नमक कानून तोड़ो आंदोलन का नेतृत्व उन्होंने किया। वे सन 1938 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने बाद में विचारों में मतभेद के कारण कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, जिसका लक्ष्य था पूर्ण स्वराज्य और हिंदू मुस्लिम एकता। सन 1940 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने उन्हें बंदी बना लिया, परंतु शीघ्र ही अस्वस्थ होने के कारण जेल से निकालकर घर में नजरबंद कर दिया तथा चारों तरफ कड़ा पहरा बैठा दिया। एक दिन सुभाष बाबू भेष बदल कर तथा ब्रिटिश सरकार को धोखा देकर काबुल के रास्ते से जर्मनी जा पहुंचे। फिर सन 1942 में जर्मनी से टोकियो जापान जा पहुंचे। वहां रहकर उन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए आजाद हिंद फौज का संगठन किया। साधनों के कम होने पर भी उन्होंने अंग्रेजों को पराजित कर मार भगाया। परंतु बाद में सन 1945 के जर्मन जापान युद्ध में वे हार गए तथा विवश होकर आजाद हिंद फौज को हथियार डालने पड़े। 23 अगस्त 1945 को टोक्यो रेडियो ने शोक समाचार प्रसारित किया कि सुभाष बाबू एक विमान दुर्घटना में मारे गए। परंतु लोगों को इस पर विश्वास नहीं हुआ। परिणामतः इनकी मृत्यु आज तक भी रहस्य बनी हुई है। आज भी जय हिंद का नारा तथा कदम कदम बढ़ाए जा का गीत हमारे कानों में गूंज रहे हैं। उनकी वाणी में जादू तथा व्यक्तित्व में एक आकर्षण था।